तो स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम सामान्य हिंदी के विलोम शब्द की जो श्रृंखला है उसके बारे में बात कर रहे हैं आजकल, तो आज का जो हमारा खंड है वो ई का है, यानी कि जो ई से जो भी विलोम शब्द है, ई से, ऊ से और ए ऐ ओ औ, तो इन सभी से जो भी विलोम शब्द बनते हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले है इति। इति का विलोम शब्द है अथ, इसका विलोम शब्द है उसका, इच्छा का अनिच्छा, इह लोक का परलोक, इकट्ठा का अलग, इष्ट का अनिष्ट, वहीं ईश्वर का अनिश्वर, और ईद का मुहर्रम है, ईशत का अलम है और ईश का अनीश है। अब आगे है उपकार। तो उपकार का विलोम शब्द है अपकार, उदात्त का अनुदात्त, उधार का नकद, उन्नति का अवनति, उद्घाटन का समापन, वहीं उन्मीलन का निमीलन है, उत्तरायण का दक्षिणायन है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण है, उदय का अस्त है और उच्च का निम्न है। इसी तरह उत्साह का निरुत्साह है, उचित का अनुचित, उपचार का अपचार, उपमेय का अनुपमेय, उपमा का अनुपमा और उपाय का निरुपाय, उपयोग का दुरुपयोग, उत्कर्ष का अपकर्ष, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उत्तम का अधम और आगे है उग्र, उसे। तो इसमें है उग्र का सौम्य, उपसर्ग का प्रत्यय, उर्वर का अनुर्वर या बंजर, और इसी में आगे है ऊर्ध्वर, ऊर्ध्व, तो इसमें ऊर्ध्व का अधो, ऊपर का नीचे, और ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, ऊंच का नीच, उधम का विनय। अब है ए से, तो ए में सबसे पहले है एक का अनेक, एकल का बहु, एकता का अनेकता, और एड़ी का चोटी, एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र का चंचल, ऐहिक का परलौकिक, ऐक्य का अनैक्य, वहीं ऐतिहासिक का है अनैतिहासिक, और ऐश्वर्य का अनिश्वर्य। और इसमें है ओ का, ओ और औ का, ओजस्वी का निस्तेज, औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक और औपन्यासिक का औपन्यासिक का अनौपन्यासिक। तो ये था टोटल हमारा ई और से लेकर औ तक, तो इसमें इतना ही, और अगले खंड में हम बात करेंगे क वर्ग के बारे में। तो थैंक यू सो मच।